क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ना, जो इसमें मैं क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, लेकिन मैं चिढ़ जाता था इस क्वेश्चन से। मैंने सोचा कि आज मैं इसका आंसर दे ही दूँ। लोग पूछते हैं कि हम अपनी बिल्लियों को मोटा किस तरह कर सकते हैं। मैं तो थोड़ी सी तफसील में आप लोगों को बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, उसके नुकसान भी बता दूंगा, आपकी मर्ज़ी आप करना चाहें या ना करना चाहें। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, शुरू से कि एंड तक लाजमी देखिएगा। एंड पे मैं जो चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सपोर्ट कर लें अपने भाई की अगर आप लोगों को कभी भी हेल्प हुई है। मैंने एक नया चैनल बनाया है और चबी मियांस 2.0 के नाम से, वो आप लोगों के लिए बनाया है, ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए बनाया है। उसके अंदर डिफरेंट व्लॉग्स आएंगे, डिफरेंट तरह के एनिमल्स आएंगे, हर तरह की चीज़ मैं उसके अंदर कवर करूँगा और एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बताऊँगा कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। और कैट से रिलेटेड भी होगा, बेसिकली मल्टीपर्पज़ होगा और आप लोगों के लिए ही वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये वाला जो चैनल है मैं स्पेसिफिकली कैट्स के लिए ही रखना चाहता हूँ, इससे मैंने एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब कर लें। चैनल का जो लिंक है ना, यहाँ पर पॉपअप हो रहा होगा, यहाँ से भी ले सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा जब भी मैं 2.0 के नाम से, वहाँ भी कर सकते हैं। मैंने एक व्लॉग अपलोड कर दिया हुआ है और एक व्लॉग जो है वो मैं कल इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा, तो लाजमी उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो कैट्स होती हैं, अगर आप उसकी सही तरह ग्रूमिंग करते हैं, सही डाइट देते हैं, तो वो एक एवरेज जो कैट होती है, मतलब कि जितना एक एवरेज इंसान होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता, ज़्यादा पतला नहीं होता, जिस तरह हमारे पास डोडू है, ये ज़्यादा ना मोटी है ना ज़्यादा पतली है, इतने तक पहुँच जाती है और ये बेस्ट होता है। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनकी कैट्स अभी बीमारी से उठी हैं या बीमार हो जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे मसले आते हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर, और जो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही फैट करना चाहते हैं उनका भी मैं आप लोगों को, उसका भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन यहाँ पर बता देता हूँ। पहले तो डूडू साहब को हम नीचे रख देते हैं, थोड़ा सा तंग हो रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। चलो, तो सबसे पहली चीज़ ग्रूमिंग, पर्जियन कैट्स की खास तौर पर, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में पर्जियन कैट्स ही पाई जाती हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, और अक्सर लोग पूछते होते हैं कि आप पर्जियन के ऊपर ही क्यों वीडियो बनाते हैं। भाई मैं सबके ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली पर्जियन इसलिए मैं मेंशन करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर लोगों के पास पर्जियन कैट्स ही हैं। पर्जियन कैट में सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको ग्रूमिंग का। ग्रूमिंग में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है इसकी ब्रशिंग, डेली ब्रशिंग करनी होती है। जब कैट फ्लफ़ी नहीं दिखेगी ना आप लोगों को, वो अंदर से जितनी मर्ज़ी हेल्दी हो पर्जियन कैट, वो आपको ना हेल्दी नहीं लगेगी, क्योंकि असल चीज़ है कि देखते हुए आप किस तरह की लग रही है। कैट फ्लफ़ी होनी चाहिए, फ्लफ़ी जो है वो अपने बालों से ही होगी, उसकी जो है वो हेयर शेडिंग कम हो रही हो, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, फिश ऑयल यूज़ कर लें उसके बालों के लिए, वाइल्ड अलास्कन के या सॉलन फिश ऑयल। उसके अलावा डेली जो है ब्रशिंग उसे 2-3 दफ़ा करें ताकि उसके जो फर हैं वो खिले खिले लगें और जो है वो ज़रा फ्लफ़ी लगे। उसके बाद ग्रूमिंग के अंदर ही बाथ आता है, लेकिन बाथ जो है वो इतना रोल इफेक्ट नहीं करता इसको हेल्दी करने में। बाथ आप कम से कम ही दें तो अच्छा है, महीने में 1-2 दफ़ा भी इनफ होता है। आगे तो वैसे भी सर्दी हैं, सर्दियों में तो वैसे भी आप लोगों ने महीने में 1-2 दफ़ा ही उसको बाथ देना है अगर ज़रूरत पड़े तब। फिर हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अपनी कैट को वैक्सीनेशन करवाई हुई है, डिवर्म कर रहे हैं। डिवर्मिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कैट को हेल्दी करने में या कमज़ोर करने में, अगर तो उसके अंदर वॉर्म्स हैं और वो कभी भी ग्रोथ नहीं होगी उसकी। डिवर्मिंग हर 3 महीने बाद लाजमी करें, अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वो हेल्दी भी नहीं होगी और वो आप लोगों को ना, जो आप लोग कहते हैं ना अक्सर कि मोटी करनी है, इसको फैट बनाना है, फ्लफ़ी बनाना है, वो कभी भी नहीं होगी। डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर 3 महीने बाद, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2 महीने बाद भी आप लोगों को करवानी पड़े किसी अच्छी मेडिसिन के साथ, तो आप लोग ज़रूर करवाएं। जो मेडिकल स्टोर से आम मेडिसिन मिलती हैं, जेंटल, वर्मोक्स वगैरह, तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करती। बेसिकली ये रेप्टाइल्स के लिए, डिफरेंट एनिमल्स के लिए यूज़ होती हैं, ये कैट्स के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। तो कोशिश करें जो अच्छी मेडिसिन हैं वो यूज़ करें, और अगर डिवर्मिंग करते रहेंगे तो आप लोग देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा आप लोगों के कैट्स की हेल्थ के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऑनलाइन स्टोर विजिट नहीं किया तो लाजमी कर लें, यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें शैम्पूस, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आपके कैट्स एंड डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है डाइट, अगर आप लोगों ने अपने कैट्स को वेट गेन करवाना है। अब मैं आपको मिसाल दे के समझाऊँगा, 2 तरह की डाइट्स हो सकती हैं। जैसे कि हम घर पे कोई देसी घी वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो हेल्दी हैं, होममेड हैं,
उससे अगर हम मोटे हो भी जाते हैं ना, थोड़ा सा फैट आ भी जाता है तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन जो जंक फूड वगैरह है वो बाहर से अगर आप खाते हैं तो उससे थोड़ा सा भी फैट आएगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा आप लोगों के लिए। इसी तरह कैट्स में है कि अगर आप उसको ड्राई फूड या जेली फूड के थ्रू उसको जो है, अगर आप उसको अगर ज़्यादा खिला देंगे या बहुत अच्छा भी खिला देंगे, ज़्यादा खिला देंगे, मोटी हो जाएगी, तो वो नुकसानदेह होगा किडनी लिवर्स के लिए। और ख़ास तौर पर मेल कैट्स में तो किडनी स्टोन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसको होम में डाइट पे रखेंगे तो वो एक तो हेल्दी भी होगी और पहले वो ड्राई फ्रूट की निस्बत ज़्यादा फ्लफी भी होगी और नुकसान भी कम होंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, होम मेड के अंदर पहले तो मैंने जो डाइट बनाना सिखाई है, सारी डाइट जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से देते हैं तो वो कैट्स को नेचुरली तरीके पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना फ्लफ़ी कर देंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि रॉ चिकन, रॉ मीट जो है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी। रॉ चिकन जो है उसके अंदर सारी जो है ना मिनरल्स वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, बॉयल करने पर वो कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो रॉक से भी काफ़ी ज़्यादा कैट्स जो है ना वो मोटी होती हैं या फिर वेट गेन करती हैं, लेकिन उसको तरीका जो है ना यूज़ करने का वो मैंने एक वीडियो में बताया, वह आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेंगे हम, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूँ कि अगर कैट को अगर आपने वाकई में थोड़ा सा मोटा करना है, या आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं रिकमेंड नहीं करता मोटा करना, तो आपको कैट को थोड़ा सा ज़्यादा खिलाना ही पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कैट की नीड 60 ग्राम खाना खाने की है तो आपको उसको 80 टू 90 ग्राम देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो उसकी एनर्जी है 60 ग्राम वो तो कंज्यूम कर लेगी, लेकिन जो बाकी बचेगा वो उसके जो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बेशक उसे फैट ही खिला रहे हैं या बेशक आप उसे प्रोटीन ज़्यादा दे रहे हैं, कोशिश करें प्रोटीन ज़्यादा दें, आप उसे जो भी चीज़ दे रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट होती जाएगी। तो कैट का ज़्यादा खाना भी जो है ये भी उस तरफ लेके जाता है। और उसके बाद जो है एक नेचुरल तो नहीं मैं कहूँगा इसे, लेकिन ये सप्लीमेंट अगर आप देना चाहते हैं, फैट प्लस के नाम से आता है, ख़ास तौर पर वो कैट जो कि बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कैट्स वीक नहीं हैं फिर भी वो चाहते हैं कि हम उसको जो है मोटा ताज़ा कर दें, उसकी जान लेना चाहते हैं, अगर आप तो ज़बरदस्ती है कि आप लोगों ने उसको मोटा ही करना है, तो सप्लीमेंट आप लोग खिला सकते हैं। उसका नुकसान तो इतना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता, वो आप लोगों की मर्ज़ी है अगर आप लोग खिलाना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ एंड पर क्लियर कर दूं कि जो कैट का बहुत मोटा होना, बहुत बड़ा होना, छोटा होना, ये ज़्यादातर इनके डिपेंड कर रहा होता है ब्लड लाइंस के ऊपर। अब एक कैट सिंगल कोट कैट है और उसके जो हिंदी जुबान में कहूँगा माता पिता जो हैं उसके, वो भी अगर पतले पतले से तो वो भी आगे पतली होगी, उसको आप नेचुरली तरीके से बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक कैट जो है वो पहले से ही फ्लफ़ी है, उसके पेरेंट्स जो है फ्लफ़ी हैं, उसके ब्लड लाइन में ऐसी खून है जो कि कहते हैं उसको मोटा करना चाह रही है, तो आप ज़्यादा नहीं भी खिलाएंगे ना, वो अपनी अच्छी खासी फ्लफ़ी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि कैट्स को ना जिस तरह नेचुरली वो हैं नॉर्मल डाइट के ऊपर वैसे ही रहने दें, ज़्यादातर बेहतर यही है। और ये ज़्यादातर मैंने दोबारा बता दूँ कि ज़्यादातर ब्रीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कैट्स जो आपकी बड़ी होकर वो किस तरह की निकलेगी, लीन होगी, मोटी होगी या नॉर्मल होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ चुकी होगी, अगर बातों की समझ आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मेरा जो दूसरा चैनल है आप लोगों को शुरू में मैंने बताया है, उसको तो लाजमी जाकर सब्सक्राइब करें, वो तो ज़्यादातर इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही है। तो उम्मीद है आप नेक्स्ट वीडियो जो है उसका इंतज़ार करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि आप लोग किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।